हेलो फ्रेंड्स, सुनीता रिजांस में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं ए-लाइन कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग का वीडियो अपलोड करूंगी। तो ये हमने कपड़ा फोर फोल्ड करके रख लिया है। इसकी लेंथ रखेंगे 45 इंच और यहाँ से कमर का निशान लगाएंगे 14 इंच पे। शोल्डर रखेंगे 7 इंच, यहाँ से आर्म होल रखेंगे 7.5 इंच, चेस्ट का फोर पार्ट यहाँ से भी 7 इंच रखेंगे। निशानों को मिला देंगे। चेस्ट का फोर पार्ट लेंगे 8 इंच, वेस्ट का फोर पार्ट लेंगे 7 इंच, यहाँ से चेस्ट का अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे 3 इंच पे और इस तरह से निशानों को मिला देंगे। यहाँ से 1.5 इंच मार्जिन लेंगे, यहाँ से 1 इंच टक्स का लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे और यहाँ से निशानों को इस तरह से मिला देंगे। यहाँ से आर्म होल की शेप दे देंगे। 1 इंच हम फ्रंट आर्म होल के लिए रखेंगे और इस तरह से शेप दे देंगे। गले की चौड़ाई रखेंगे 2.75 इंच, लंबाई रखेंगे 6.5 इंच और इस तरह से बॉक्स सा बना लेंगे और बीच शेप कर देंगे। यहाँ से हल्का सा शेप दे देंगे, कर लेंगे इसको कट। यहाँ से 0.5 इंच हम डाउन कर देंगे और फ्रंट आर्म होल की हम कटिंग कर देंगे और यहाँ से हम शोल्डर डाउन कर देंगे 0.5 इंच के करीब। और जितना हमने कमर पे रखा था उतना ही हम यहाँ पर रखेंगे और इस तरह से इंची टेप को तिरछा रख के निशान लगा लेंगे इस तरह से। और यहाँ से कर देंगे कट। यहाँ से 1.5 इंच के करीब हम इस तरह से राउंड कर देंगे और ये कुर्ती हमारी कट चुकी है। यहाँ पे टक्स डालेंगे। अब हम अस्तर के कपड़े पर रख के कटिंग कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे। अब हम यहाँ से भी कट कर देंगे और स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स यहाँ से रखेंगे 9 इंच और इस तरह से शेप दे देंगे। यहाँ से 5.5 इंच रखेंगे। यहाँ से हम टक्स का निशान लगाएंगे 3 इंच पे और ऊपर से टक्स पॉइंट रखेंगे 10 इंच पे। यहाँ से निशानों को मिला देंगे और 1 इंच टक्स के लिए इधर से रखेंगे। मतलब हमें 2 इंच की टक्स डालनी है तो 1-1 इंच दोनों साइड इस तरह से निशान लगा देंगे और यहाँ छोटे छोटे कट लगा लेंगे। और यहाँ से हम दोनों साइड निशान लगाएंगे इस तरह से। यहाँ से जहाँ हमने कट लगाए उसी साइड पे हम इस तरह से मिला देंगे, टक्स डाल देंगे हम यहाँ पे दोनों साइड में। अब हम गले की पट्टी लगाएंगे तो हम यहाँ पे पिनअप से सेट कर लेंगे। इसके ऊपर रख के पिनअप कर लेंगे, पिन से सेट कर लेंगे। यहाँ से लगा देंगे सिलाई। कट कर देंगे यहाँ से नेक को, छोटे छोटे से कट लगा लेंगे पूरे नेक पे। और यहाँ से इस तरह से फोल्ड करते हुए और इस तरह से सिलाई लगा देंगे। इसके दोनों साइड में दोनों पार्ट हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम इसके शोल्डर अटैच कर देंगे। यहाँ से नीचे हम इसको जोड़ देंगे। थोड़ा सा हमारा नीचे वाला पार्ट 1.5 इंच के करीब ज़्यादा है तो उसको हम इस तरह से हल्की सी फ्रिल सी बना के और इस तरह से सिलाई लगा देंगे। इसको हमें इसी में एडजस्ट करना है। अब हम स्लीव्स तैयार कर लिए हैं हमने, अब अटैच करेंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से सेंटर में रख के और अटैच कर देंगे।
तो स्लीव्स भी अटैच हो चुके हैं। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, जितना हमें यहाँ से चाहिए उतना हम उस इंची टेप से मेजर कर लेंगे और इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड में हम इसी तरह से फिटिंग कर देंगे। यहाँ से नीचे से भी फोल्ड कर देंगे इस तरह से। तो फिर नीचे से हमने सिलाई भी लगा दी है, तो कुर्ती हमारी बनके रेडी हो चुकी है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।